नमस्ते, मैं हूँ डाइशन श्रेया और आज हम बहुत स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और नवरात्रि का आज फिफ्थ फास्ट है मेरा, सो नवरात्रि की शुभकामनाएं आप लोगों को। लॉकडाउन का भी आज फिफ्थ डे है, सो यूज्ड टू हो गए हैं और थिंग्स आर सेटल नाउ। आई थिंक उतने केसेस नहीं हैं अब और यू पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, और अभी जो हम रेसिपी बनाएंगे वो बच्चे के लिए है, तो अगर आपके घर में बच्चा है ऐसा जो पिकी ईटर है, जो फजी ईटर है और जो सारा न्यूट्रिशन नहीं खाता है, तो उनके लिए ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी में सब कुछ ऐड कर सकते हैं, जितनी आप हेल्थ डालना चाहते हैं, जितने सुपर फूड डालना चाहते हैं वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे लिए ये एक, अगर मेरे को नाम देना हो इस रेसिपी को, तो मैं दूंगी होलसम कूड़ा, यानी कि होलसम पैनकेक। अब होलसम पैनकेक क्या है चल के देखते हैं। सो यू कैन फॉलो मी नाउ। आइए, हाय चेतन, स्नेह, स्वाति, कश्यप जी एंड लवली रचना एंड रजनीश, सारा, हाय, कैसे हैं आप सब? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग के घर में आई एम श्योर बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर्स, जिनको अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रेसिपी थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें आपको बहुत सब चीज़ें चाहिए, सो आप पेन पेपर ले सकते हैं। रेसिपी का नाम है होलसम पैनकेक, पौष्टिक पूड़ा, तो ये नाम है हिंदी में पौष्टिक पूड़ा और होलसम पैनकेक। सो ये बच्चों को कंप्लीट नरिशमेंट देगा। शुरू करते हैं, आप इनमें चीज़ों में माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। सो मेरे घर में जितनी चीज़ें बची हुई हैं जो बच्चा नहीं खा रहा है, कई बार टेस्ट या फिर कई बार वैसे ही वो लोग फजी हो जाते हैं। सो आप लोगों को जैसे पता है कि आप लोगों ने अगर मेरा पहला रेसिपी देखा था सूप वाला, तो सूप मैं रोज़ बनाती हूँ घर पे और अपने घर में सभी लोगों को देती हूँ। सो ये सारी सब्जियाँ होती हैं सूप की, तो मेरे घर में ये वेजिटेबल्स रोज़ होती हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे घर में सूप बनता है। सो मैंने आपको दिखाया भी था सूप की, मैंने पेपर पे, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ इनकेस अगर आपने नहीं देखा है। आप मेरा कोई भी पोस्ट मिस मत किया करो, रीज़न क्योंकि मैं हर एक पोस्ट में बहुत सारी नॉलेज की बातें करती हूँ। सो ऐसे मैंने एक लिस्ट दी हुई है अपने मेट्स को, तो इनकेस कभी मैं सुबह नहीं होती हूँ अवेलेबल, तो फिर मेरे मेट्स बना देते हैं। तो इसमें बहुत सारी सब्जियाँ हैं, मटर, बीन्स, गोभी, गाजर, बीटरूट बहुत ज़्यादा होता है, सोयाबीन, दाल, न्यूट्रिशनल ईस्ट अभी खत्म हो गया है मेरे पास, बट अदरवाइज मेरे घर में न्यूट्रिशनल ईस्ट हमेशा रहता है। लॉकडाउन की कंडीशन में मुझे मिल नहीं रहा है, सो और मैं बाहर नहीं जा सकती, सो ये सब्जियां बच जाती हैं। अब मैं फेंक तो सकती नहीं इन सब्जियों को, इन सब्जियों को मैं सूप में डाल देती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ। और अब कैसे यूज करना है कूड़े में, आप वो देखिए। आप ये जो सब्जियां हैं, जो आपकी बची हुई सूप से सब्जियां थी, वो आपने इसमें डाल दी। मैंने इसमें जैसे आपको बताया कि इसमें सोयाबीन भी है, तो दालें भी है, सोयाबीन भी है, तो मतलब प्रोटीन हो गया। वेजिटेबल्स इसमें सारी हैं और आयरन वाली वेजिटेबल ज्यादा है, जैसे बीटरूट। पालक नहीं था मेरे पास, लेकिन आप लोग पालक जरूर डालें, बिना पालक के सूप मतलब हो सकता है, लेकिन आयरन जरूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए। सो मैं क्या करूंगी, ये सब्जियां इसमें ली मैंने ब्लेंडर में। और आपने सबने देखा था कल मैंने पोहा कैसे बनाया, पोहा शौर्य ने छोड़ दिया और मैं लेफ्ट ओवर्स नहीं वेस्ट करती हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि शौर्य शुड हैव पोहा ऑल्सो, उसने थोड़ा खाया थोड़ा छोड़ दिया। सो मैं इस पोहा से पूछा है कि क्या मैं इंस्टा पे हूं, जी आप लोग मुझे इंस्टा पे भी देख सकते हैं। हाय सुनंदा जी, थैंक यू सो मच फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। सारिका जी, सोया मिल्क की रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगी, कल की रेसिपी हमारी और स्पेशल होगी। कल किनुआ की रेसिपी मेरे को किसी ने पूछा था कल फेसबुक पे, मैं अगर मेरे पास किनुआ अवेलेबल हुआ तो मैं कल बनाऊंगी किनुआ। Alright, so it is very important that you follow hygiene, nail cut है, ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, okay? So ये अब चर्न हो गया, अब मैं इसको, मेरे हैंड वॉश्ड है,
सो मैंने इसमें ये जो है वेजिटेबल मैंने इसमें पूड़े के लिए डाल दी है। ये पूड़ा मीठा बनेगा क्योंकि बच्चे मीठा पसंद करते हैं। अब मेरे पास ग्रेटेड स्टीम्ड एप्पल था, शौर्य ने नहीं खाया, तो अब मैं इस एप्पल को और क्या डालेंगे हम लोग बनाना भी डालेंगे। सो ये बनाना जैसे जानते हैं लॉकडाउन कंडीशन में पड़ा हुआ था, पर थोड़ा सा ये ओवर राइप हो गया है। सो फ्लेवर जो है वो बनाना से आएगा। सो जितना इसमें से हम निकाल सकते हैं उतना निकाल लेंगे। सो ये बनाना मैश करेंगे हाथ से, और मेरे पास जो एप्पल था वो इसमें चला गया है। सो फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गई, पल्सेस आ गई, राइस फ्लेक्स आ गए, अब क्या रह गया? सीरियल्स। अभी हम सीरियल्स भी डालेंगे। और क्या रह गया? एग। मेरा फास्ट है पर मैं फिर भी एग को हाथ जरूर लगाऊंगी क्योंकि बच्चों के लिए तो मामा कैन डू एनीथिंग। सो ये मैं यहाँ पर एप्पल और बनाना यहाँ पर डाल दूंगी। अगर आपको लगता है कि इसको और थोड़ा सा मीठा बनाना है तो हम इसको थोड़ा और मीठा बना सकते हैं, यानी कि हम पूरा एप्पल डाल सकते हैं। एप्पल थोड़ा ज़्यादा राइपन्ड है, लॉकडाउन में ज़्यादा स्टोर कर लिए थे हमने। सो यहाँ पे हम लोग और डाल देंगे, और जो मेरे पास जो स्किन बच जाती है वो मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर केटल्स वगैरह को मैं डाल दूँ क्योंकि अब वो लोग भी भूखे हैं बाहर, पर सड़कों में बहुत आराम से घूम रहे हैं। नेचर जो है अपने आप को फ्री फील कर रहा है। सो मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें डाल दी है, एप्पल, बनाना, आपके पास चीकू है तो डालो, एप्पल है, बनाना है। मैं आपको बता दूँ रेसिपी में जितनी चीज़ें हैं ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं तो मैं डाल रही हूँ। मेरे पास डेट सिरप ख़त्म हो गया है, ये बादाम रोगन तेल, ये मैंने एक ढक्कन इसमें डाल दिया है। ड्राई फ्रूट पाउडर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है ड्राई फ्रूट पाउडर कैसे बनता है। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू गेट इट, वन सेकंड, आई विल बी बैक। कुछ क्वेश्चंस थे रैंडम, कैन आई गेट अ फेसबुक आईडी? डाइटिशियन श्रेया सर्च कर लें फेसबुक पे, भूमिका मेहता आपको मिल जाएगा, हम लोग लाइव भी है। और इंस्टा पे अगर कोई देना चाहता है तो डाइटिशियन श्रेया से ही सर्च कर सकता है। मैम मेक ओनली वेजिटेरियन रेसिपीज प्लीज। जी आप एग स्किप कर दीजिए, इसमें एग्स ना डालिए आप लोग। और मैम कैन यू प्लीज शेयर योर फुल डे रूटीन इन फास्ट? श्योर। अभी मेरे पास ड्राई फ्रूट का पाउडर है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। सो देखिए अगर आप नवरात्रि में एग्स नहीं यूज करना चाहते, जैसे कि मैं पर्सनली अपने लिए नहीं करती हूँ पर शौर्य के लिए मैं जरूर करती हूँ, शौर्य नीड्स टू हैव नरिशमेंट अभी के लिए। सो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे नो हेच एग्स क्या होते हैं, ये होते हैं नो हेच एग्स, हैन फ्रूट कंपनी के आते हैं, आप देख सकते हैं नो हेच हर्बल एग्स। बेसिकली ये एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट जो लोग स्टैंड करते हैं उनके लिए हो सकते हैं। इन एग्स में से स्मेल नहीं आती, और जो इनको फीड में देते हैं, जो हैन को फीड में देते हैं उसमें तुलसी, नीम, टर्मरिक और सिर्फ हर्ब्स खिलाई जाती है, कोई इंसेक्ट्स नहीं इनको फीड किए जाते। हैन फ्रूट कंपनी है और ये नो हेच हर्बल एग्स मैं घर पर यूज़ करती हूँ। इसमें कोई भी फिशी बैड ऑर्डर नहीं है, बर्ड फ्लू नहीं होता है इन एग्स में, राइट? सो आप लोग एग को स्किप कर सकते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ, दैट्स माय पर्सनल चॉइस, किसी को भी मैं कन्विंस नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, आप लोगों को जैसे बनाना है बनाइए। एग आप स्किप कर सकते हैं पर मैंने डाला क्योंकि मुझे फाइव फूड ग्रुप्स में से जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट का एक कॉलम होता है फाइव फूड ग्रुप्स में से, तो उनमें से मैंने सिर्फ उसमें एग डाला। तो क्या क्या मैं डाल चुकी हूँ? एप्पल, बनाना, पोहा बचा हुआ, और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स सारे ये वाले वेजिटेबल्स मैंने डाल दिए। अब क्या रह गया? ड्राई फ्रूट्स भी मैंने डाल दिया, ड्राई फ्रूट का पाउडर। अब आप बताइए क्या रह गया, मैं नॉलेज चेक करना चाहती हूँ डीएसए टाइम, राइट? बताइए क्या रह गया फाइव फूड ग्रुप में से? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
सीरियल में, आई मीन मैंने पोहा डाल दिया है, पल्सेस यानी कि दाल हो गई है, सोयाबीन हो गया है, वेजिटेबल्स हो गई हैं, अब क्या रह गया, एग डाल दिया है, आप बताइए क्या रह गया, जल्दी 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 जल्दी। सिमरन ने पूछा है, सिमरन परम ने, चंडीगढ़ में कहाँ से मिलते हैं? 24/7 से मिल जाएंगे। आप हैंड फ्रूट के एक सो रेगुलर अवेलेबल है, आप उनकी वेबसाइट से या फिर इंस्टा से कर सकते हैं, इंस्टा में वो लोग भी हैं। और जो ओनर्स हैं वो बहुत ही स्वीट है, वो हमें जो आहारिका है उसके लिए भी स्पॉन्सर करते हैं। राइट, सो एनी आंसर। प्रीति सिंह, हेयर लॉस के लिए मैं जरूर बताऊंगी, काजू डाल दो। हाय मीनाक्षी, मैंने जैसे बताया कि हाँ मैंने नवरात्रे रखे हैं, वो मैंने अपनी मर्जी से रखे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए रखे हैं, पर बच्चों को ले अगर मुझे एग बनाना पड़ेगा, आई डोंट माइंड, वो हर एक का एक अपना होता है। सो आप मुझे सजेस्ट नहीं कर सकते, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, दिस इज योर पर्सनल लाइफ, आप अपने लाइफ में कुछ भी करिए, मैं अपने लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ, एवरी वन हैज देयर ओन राइट। सो हर एक का अपना लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। सो मैंने हाथ लगाया, दैट्स माय थिंग, आप ना लगाइए। हम कह रहे हैं बटर, कार्ब्स। हाँ, बटर, बटर की जगह मैंने बादाम रोगन तेल यूज किया। राइट, अब मैं क्या डालूंगी? मैम अभी हम फ्रूट्स खा सकते हैं, वायरस फैला हुआ है। मैंने स्टीम्ड एप्पल डाला है, बनाना, क्योंकि उसका मोटा स्किन होता है, और जब आया था घर में तो बिल्कुल कच्चा था, अब पक गया है। तो फ्रूट स्टीम करके खाएंगे बेटर है, पर अदरवाइज अगर आपको लगता है कि फ्रूट सेफ जगह से आया है, ऑर्गेनिक है, तो खा सकते हैं। अब नवरात्रों में क्या खाएंगे आप? हाँ, सो ये मैं आपको दोबारा से बता दूं, डिस्क्लेमर, कि प्लीज एग्स नवरात्रों में यूज नहीं करते हैं, वो मुझे मालूम है, मैं नहीं करती हूँ, मैं अपने आप, आज मेरा फिफ्थ फास्ट है, मन साफ होना चाहिए, आपके कर्माज अच्छे होने चाहिए। सो राइट, अब हम लोग क्या डालेंगे, क्या रहेगा? मैम लोगों ने बोला है रागी आटा कैन बी एडेड, अभी हम कर रहे हैं, कौन है इंटेलिजेंट? काजल नितिन मल्होत्रा। ओके राइट, सो अब हम ओट्स का आटा डालेंगे इसमें थोड़ा सा, जो कि ग्लूटेन मैं यूज करती हूँ, और अब रागी का आटा डालेंगे, नाचनी कैल्शियम और आयरन का सोर्स होता है, फिर राइस फ्लावर डाल सकते हो, लेकिन मैंने एक बार डाल दिया था, पर राइस फ्लावर थोड़ा सा और ऐड करेंगे, उससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और एमरेंथ का आटा मेरे पास खत्म हो गया है, और ये किनुआ का आटा है, हाई प्रोटीन होता है, जो लोग अंडा नहीं डालना चाहते वो किनुआ का आटा डाल सकते हैं, और उसी से आपका प्रोटीन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पर असेंशियल अमीनो एसिड्स उसी में ही होते हैं। आप थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, बेसन ओवरडू ना करें, क्योंकि इसके इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता पूरे का। सो ये मेरे पास बहुत सारे आटा थे, मैंने डाल दिए, अब हम इसको थोड़ा डिप कर देंगे, और मीन टाइम हम क्या करेंगे, मेरा फेवरेट गैजेट जो है रोटी मेकर, वो ऑन करेंगे। अब आप लोग रोटी मेकर का ब्रांड पूछेंगे? यस मैम, वो कढ़ाई का पूछ रहे हैं अभी भी। एलोवा, एल ए एल ओ, अरे ए एल ओ ए, इसकी मेरे को कढ़ाई का ब्रांड, एक बार मैं आपको स्पेलिंग दोबारा से बता देती हूँ। राइट, सो ये रोटी मेकर है, कोई भी कंपनी का यूज करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो भी यूज करें उसको दो महीने तीन महीने के बाद आपको, अगर इनकेस वो थोड़ा सा भी स्क्रैचेस हैं उसमें, तो उसको आपको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो नॉनस्टिक इसमें कोटिंग होती है, अगर वो उतरनी शुरू हो गई तो डीएसए अलर्ट, तो वो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। राइट, अब इसको टेस्ट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप इसमें और क्या क्या डाल सकते हैं मैं बताती हूँ। डेट सिरप मेरे पास नहीं है, पर डेट सिरप जो है इसमें आयरन को और ज़्यादा बढ़ाएगा, स्वीट फ्लेवर आ जाता है, सोया मिल्क थोड़ा सा भी बताना मुझे, वो तीनों चीज़ें मखाने की खीर बनाई थी अपने लाइव वीडियो में, पहले चेक कर लेना चाहिए ठीक है ना। राइट, सो ये मखाने की खीर मैं इसमें डाल दूंगी, बची हुई थी लेफ्ट ओवर्स, आप इसमें थोड़े से तिल, मैंने तो ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया हुआ था तो आप वो डाल सकते हैं, पर मैंने तिल भी डाला है, सोया मिल्क, कई लोग सोया मिल्क पूछते हैं कौन सा यूज़ करते हैं, एनी ब्रांड यू कैन गो फॉर, डब्बे में होता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। सो चॉकलेट फ्लेवर थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी, रोटी मेकर में ऑयल नहीं लगता है, पर इनकेस आप लगाना चाहते हैं, आटा डालना नहीं, आटा इनफ है,
इन केस आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो ऑयल है वो यूज कर सकते हैं। सो दिस इज डन। हल्का सा टेस्ट जरूर करना चाहिए, मेरा फास्ट है, मैं टेस्ट नहीं करूंगी, मेरे हस्बैंड टेस्ट करेंगे। ऐसे प्लीज टेस्ट ना, ऐसे नहीं, यू हैव टू टेस्ट। गुड। इसमें कुछ ऐड करना है मीठा या कुछ? मीठा कम, थोड़ा सा मीठा और, मीठा और आप गुड़ डाल सकते हैं अगर आपको मीठा कम लगे, या आप शहद डाल सकते हैं। यहाँ से मुझे शहद दे। ओके, सो ये शक्कर है, आप वो डाल दीजिए इसमें अगर आपको मीठा कम लगता है। मीठा इसमें कम है क्योंकि डेट सिरप नहीं है। अच्छा, आप पीनट बटर डाल सकते हैं इसमें। सो ये हनी है, हनी डाल लीजिए। शक्कर है, हनी है, ज्यादा हो जाएगा मीठा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा मीठा कम लग रहा है क्योंकि मेरे पास आज डेट सिरप नहीं था, और वेजिटेबल्स क्योंकि ये ओवर हीट हो गया है, ओवर हीट नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। क्या वेजिटेबल्स को सॉल्ट वाटर में वॉश करने से वायरस खत्म हो जाता है? एप्पल साइडर विनेगर में पहले गर्म पानी में अपने उनको भिगो, जो आपकी सब्जियां हैं उसके बाद उसको कुक करना जरूरी है। कुक करने से हाँ, वायरस जो है अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कुक करेंगे तो वो फिनिश हो जाता है। मैं मेरे बेटे को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं होते, क्या तो क्या रिप्लेस कर सकते हैं? प्रीति सिंह, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, कोई भी चीज। जरूरी क्यों है बच्चों को मिल्क देना? बिल्कुल जरूरी नहीं है। वैसे भी आजकल जब अगर कोल्ड काफ मीटर्स इतना ज्यादा होता है तो बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। राइट, सो अब इसकी थिकनेस ये है, एसपी को दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। बेटर, बेटर। इसमें पीनट बटर डाल सकते हैं, आमंड बटर डाल सकते हैं। डेट सिरप आप लोगों के घर में है तो डालो, मेरा खत्म हो गया था। न्यूट्रिशनल ईस्ट खत्म हो गया है, तो दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल ईस्ट एंड डेट सिरप, वो जरूरी डालें इसमें। तो हनी की जगह और गुड़ की जगह आपको डेट सिरप डालना चाहिए। मैं हमेशा वही डालती हूँ लेकिन अब मेरे पास नहीं है। राइट, सो मैं शौर्य को दिन में एक बार ये पोहा जरूर देती हूँ क्योंकि इसी में सब चीजें आपको मिल जाती हैं। मैम इसका नाम क्या बताया था? इसका नाम है पौष्टिक पूड़ा, पौष्टिक पूड़ा या न्यूट्रिशियस पैनकेक, होलसम पैनकेक, होलसम पैनकेक एंड पौष्टिक पूड़ा। आपने देखा इसमें मैंने सब चीजें डाली हैं। मैम कमलदीप कौर पूछ रही हैं क्या डाइटिंग के टाइम पे हनी या जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड? नहीं, स्टीविया यूज करें क्योंकि हनी डेंस कैलोरीज देता है और जैगरी भी कैलोरीज देता है। दोनों में अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पर आपको वो नहीं लेना चाहिए। सो अब हम इसे कुक होने की वेट कर रहे हैं। इसको किसके साथ सर्व करेंगे आप? हनी के साथ, मेपल सिरप के साथ? मैं यूजली मेपल सिरप यूज करती हूँ शौर्य के लिए। मेपल सिरप, मलाई अगर आप देते हैं तो मलाई दे दीजिए। मैम इफ सोया मिल्क अवेलेबल नहीं हो तो क्या करें? मिल्क को रिप्लेस कर, बच्चे को रिप्लेस? हाँ, आमंड मिल्क घर पे बनाइए। कल मैंने आपको दिखाया था, परसों दिखाया था कि आमंड मिल्क कैसे बनता है, आप घर पे बनाइए। कोकोनट मिल्क बनाइए, आजकल कोकोनट बहुत इजीली अवेलेबल है, नवरात्रों के टाइम पे मिलते हैं। सो आप कद्दूकस कीजिए, उसको निचोड़ लीजिए, वो मिल्क बन जाएगा। इज न्यूट्रिशनल ईस्ट इज गुड फॉर डायबिटिक्स? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे को आज लगता है कि पूरा थोड़ा चिपक जाएगा, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। कई बार अच्छा बनता है, कई बार नहीं बनता है, बट यस यू कैन आस्क क्वेश्चंस जी। मेरे लिए भेजा कहते हैं क्वारंटाइन इज द बेस्ट टाइम टू कुक टुगेदर रेसिपी सर। अब दो दो, एक तरफ इंस्टा और फेसबुक दोनों कैमरे पकड़ के बड़ा मुश्किल होगा कुकिंग करना साथ में। एनीहाउ ऐसे आप तब तक क्वेश्चन रिप्लाई करो। हाँ, प्रोटीन चीला नाम बता रहे हैं। हेलो मैम, प्रोटीन चीला, वेरी गुड। हाँ, प्रोटीन चीला भी हो सकता है। मेथी वाटर दिन में कितनी बार ले सकते हैं? हाय साक्षी एंड हाय श्रद्धा, हाय मनु, मैम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू। हर्षवर्धन, आमंड मिल्क कैसे बनेगा? हर्ष, मैंने अभी अपने वीडियो में दिखाया था कि कैसे बनेगा। राइट, ये थोड़ा यहाँ पे चिपक गया है, रीजन कि ये बहुत पतला बैटर हो गया था। तो अगर आपका लगता है कि पतला, ये रोटी मेकर की ना खास बात है, हम ये हाफ को पलट सकते हैं अभी भी हम इसको पलट सकते हैं ये।
सो अगर ये इतना मैसी भी हो गया है तब भी आप इसको दोबारा से बना सकते हैं. Right. Okay, ma'am. Please check Google information. Soy milk reduced test one. इनको डिलीट ही कर दिया जाए. चलो. हाँ मैम. आलमंड मिल्क कैसे बनाएंगे? आलमंड मिल्क की रेसिपी मैंने दी है. आप प्लीज मेरे प्रीवियस. कैन यू मेक इट सॉल्टी? वो पूछ रहे हैं कैन यू मेक इट सॉल्टी. हाँ, शोरिया सॉल्टी नहीं खा रहा था इसलिए मैंने ये बनाया, पर आप इसमें तो मीठा मत डालिए, सॉल्टी बन जाएगा. राइट. आज थोड़ा सा एक काम करता हूँ मैम, आप क्वेश्चन पूछ लो, मैं बनाता हूँ बाकी. ओके नाउ इट्स टाइम मैम, अब मैं जवाब देता हूँ. हेलो मैम, आई एम एलर्जिक फ्रॉम नट्स, सो कैन टेक आलमंड मिल्क? एलर्जिक टू नट्स? नहीं ले सकते मैम. फिर आप एक बार ही आप आई थिंक फूड एलर्जी टेस्ट पूरा करवा लीजिए, उसमें आपको एक एक नट्स के बारे में पता लग जाएगा कि वो कौन से नट से आपको एलर्जी है, कौन से नहीं है. अच्छा, अब मेरे साथ यहाँ पे थोड़े क्राइसिस हो गए हैं. ये कि मेरे वाला जो पैनकेक इट्स ओके मैम, पैनकेक जो है मेरे वाला वो थोड़ा पतला ज्यादा हो गया था, तो इसीलिए गलती क्या हुई, मैंने वेजिटेबल ज्यादा ले लिए थे, पहले ही डाल दिए. आपको पहले आटा लेना चाहिए फिर वेजिटेबल्स डालने चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए आई पुट मोर ऑफ आटा. सब लोग कह रहे हैं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके. कैन बॉइल आलमंड एंड सोया और कोकोनट मिल्क बॉइल कर सकते हैं हम सोया मिल्क को? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं. क्वेश्चंस? ओके, विच फूड इज बेस्ट फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग? मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन सा फूड अच्छा है? ओट्स अच्छा है, किनोआ बहुत अच्छा है. आई थिंक पूरा डाइट प्लान डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी फैट लॉस कर चुके हैं और मसल को स्ट्रेंथ करना है तो कंप्लीट डाइट प्लान ही काम करेगा. अब मेरा पूरा मैं वो कह रहे हैं इसमें ऑयल लगा लें या फिर अनियन को स्प्रेड कर लें, शायद इससे स्टिक नहीं करेगा. नहीं, ये स्टिक तो किया ही नहीं है, ये स्टिक नहीं किया. बाय चांस क्या हुआ, जो मेरा बैटर था वो थोड़ा ज्यादा पतला था. और प्लीज मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ कुक, तो ये गलतियां थोड़ी बहुत हो जाती हैं. ओके ओके, आटा डाल दो. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम मैम, रेसिपी तो समझ आ गई. ओह बन रहा है, प्लीज, कई बार हो जाता है. यू टेक कॉफी रेगुलरली? लो बीपी पेशेंट कैन आई टेक? लो बीपी पेशेंट हाँ ले सकते हैं. बन गया, मैं पूरा नीचे कर लो. ओके, वेरी सपोर्टिव, बिग हैंड फॉर यू. ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. पूरा इज नाउ रेडी. ये बन गया, ये फाइनली. यस, कोई बात नहीं मैम, आई वी कैन अंडरस्टैंड. एज अ क्लाइंट मैं भी अगर देख रहा हूँ तो आई अप्रिशिएट. सब लोग अप्रिशिएट करो मैम को, तालियां. इसको कहते हैं झंडो ना. कोई बात नहीं, गिरते हैं शायद सवार मैदान जंग में, आगे पता है सबको. ओके, व्हाट कैन वी टेक प्लेस कॉफी ड्यूरिंग वेट लॉस? मैं कॉफी ले सकते हैं वेट लॉस में, कोई इशू नहीं है. अगर नहीं लेना है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं. ग्रीन टी ले सकते हैं वेट लॉस में? ग्रीन टी क्यों नहीं ले सकते, बल्कि वो तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है. ग्रीन कॉफी भी करता है. नैंसी आहूजा ने अप्रिशिएट किया आपको, योर एफर्ट इज टू गुड. जरूरत ही नहीं, आप उसको स्किप कर दीजिए, वो वाला स्टेप की किस तो वो पूछ रहे हैं मैम, डाल सकते हैं क्या इसमें कर्ड? डाल सकते हैं, जरूरत नहीं है कर्ड डालने की, और डालना भी नहीं चाहिए. राइट, ये जो हमारा पूरा है वो रेडी हो गया है फाइनली. यस, ये पूरा रेडी है, और आप इसके ऊपर से मेपल सिरप डाल सकते हैं, तो मैं आपको मेपल सिरप डाल के दिखाती हूँ. और जो ये बैटर है इसको ठीक कैसे देखिए, आप गलती देख लीजिए, बहुत पतला था ये बैटर, क्योंकि इसमें बनाना ज्यादा है, वेजिटेबल ज्यादा है, तो इसमें जब आप आटा अच्छे से डाल देंगे थोड़ा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. और अब ये पूरा जिन्हें भी खाना है तो वो खाएंगे. राइट, ये पूरा बन गया. अब इसके साथ की सर्विंग्स मैं दे देती हूँ. संतोष शौर्य को लेके आना. All right.
सो उप्स सो ये मेपल सिरप है और ये मेपल सिरप आप इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, पर मैं स्प्रेड नहीं करूँगी क्योंकि शौर्य का पता नहीं होता है, मुझे पता है सारा अटेंशन शौर्य के पास है. राइट, लॉकडाउन शौर्य, लॉकडाउन मामा, किची किची, थैंक यू किची. राइट, सो ये कूड़ा बन गया है शौर्य का, अब शौर्य ये खाएंगे. ठीक है, लो आप हनी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप पैनकेक सिरप के साथ सर्व कर सकते हैं, मलाई के साथ सर्व कर सकते हैं. सो ये जो हमारा पौष्टिक पूड़ा है या प्रोटीन पूड़ा या फिर होलसम पैनकेक रेडी हो गया है. आप इसमें एग स्किप कर सकते हैं, सारे फ्लावर जितने आपके पास, अगर आपके पास ज्यादा फ्लावर्स नहीं है तो आप सिर्फ ओट्स का आटा डालिए. सो इसको पैनकेक सिरप बहुत पसंद है, वैसे आप हनी भी डाल सकते हैं. हर्षवर्धन ने क्वेश्चन पूछा था, वो कह रहे थे कि मसल को स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं, एक बार मसल को स्ट्रेंथ. ये देखिए पूरा ऐसा है, बहुत अच्छा बना है और ज्यादा तेल भी नहीं लगा है. मिलाएंगे अगर लेना है तो. राइट, मसल को स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं? मसल सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनता है, मसल के लिए आपके मिनरल्स, विटामिंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो डाइट को आपको बैलेंस्ड ही रखना पड़ेगा, सिर्फ प्रोटीन से नहीं होता है मसल का रोल. तो इसके लिए यू कैन हैव अ पर्सनलाइज डाइट प्लान, ताकि मतलब आपका, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेंथन कैसे करें या फिर उसको टोन अप कैसे करें, तो आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं 7307303835. या अपने सारे स्टैटिस्टिक्स शेयर कर दीजिए. हाँ, सारे स्टैटिस्टिक्स शेयर कर लीजिए इनबॉक्स. फैट परसेंटेज कितनी है, मसल परसेंटेज कितनी है, सो दैट वी कैन गाइड यू बेटर. राइट, सो ये देखिए शौर्य का या बच्चों का आटे का जो कंटेनर है वो बिल्कुल अलग है, जैसे अब साथ साथ में हम वाइंड अप करते रहते हैं. मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट ग्लूटेन फ्री कैसीन फ्री डाइट वैरायटी फॉर फूड फॉर 5-year-old सन डॉटर, एडवाइस हिम टू गो फॉर दिस डाइट. किनोआ फ्लावर, ये देखिए किनोआ फ्लावर की रोटी बनाई है, पूरा भी मैंने आपको दिखाया, वो ग्लूटेन फ्री पूरा था. सो ये ओट्स का आटा, ये भी आपका ग्लूटेन फ्री है मेरे पास जो है, बट अदरवाइज मार्केट में सिर्फ ग्लूटेन के साथ ही ओट्स आते हैं. ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो ग्लूटेन फ्री ओट्स. ये राजिया रिच है. राइट, और क्वेश्चंस बच्चों के लिए कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज. हाँ प्लीज, आज का जो हमारा रेसिपी रहेगी वो बच्चों के लिए रहेगी. मैम एक 10 साल का बच्चा कह रहे हैं उसको डायबिटीज है, तो और उसको वेट गेन नहीं हो रहा है. सीपेप्टाइड टेस्ट करवा लीजिए, क्या पता कि उनका इंसुलिन ऐसा है, तो हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं. और अगर हम उनको हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट देंगे जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स को निल या रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाएगी और वेट गेन नहीं हो रहा है वो भी हो जाएगा, पर जीएडी 65 या फिर सी पेप्टाइड ये टेस्ट जरूर करवा लें. जी और क्वेश्चंस? मैम एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं मेरी फीड नहीं बनती है, मेरा 6 मंथ का भी बेबी है, तो मैं उनको कौन सा मिल्क दूं? आमंड मिल्क नहीं दे सकते आप, ड्राई फ्रूट्स नहीं दे सकते, एलर्जन होते हैं, बच्चे का स्टमक अभी बहुत लाइट है. आप कोलेस्ट्रॉम मिल्क दे सकते हैं, ऑनलाइन देख लीजिए आप कोलेस्ट्रॉम, COLOSTRUM कोलेस्ट्रॉम मिल्क, क्योंकि मिल्क में कोलेस्ट्रॉम होता है जब माँ का दूध पहला बनता है. सो वो वाला मिल्क आपको मार्केट में मिलता है कोलेस्ट्रॉम, पर वो ह्यूमन नहीं होता है, वो एनिमल का ही है. गोट मिल्क आप दे सकते हैं, बहुत सारे नैन प्रो और बहुत सारी वैरायटीज आती है मार्केट में, आप पर गोट मिल्क प्रेफर करें. गोट मिल्क यानी कि जो डब्बे में पाउडर आता है, आई कैन शो यू इफ यू वांट. मैं जैसे कि होता है ना, सब लोग शुरू में डरा देते हैं मदर्स को जब बेबी डिलीवर होता है कि आपकी फीड नहीं बन रही, पर अभी तक मैं शौर्य को फीड कराती हूँ. एक और राइट, ये देखिए, ये जैसे ये मेरे पास बॉक्सेस पड़े हुए हैं, मेरे यूज़ नहीं हुए क्योंकि शौर्य नहीं फीड लेता है. सो ये फर्स्ट मिल्क है बोवाइन कोलेस्ट्रॉम पाउडर, ये कोलेस्ट्रॉम पाउडर है, इसका मिल्क आप बना के दे सकते हैं पाउडर का, क्योंकि जो बाहर से अगर हम दूध लेते तो वो एडल्ट्रेटेड हो सकता है, और ये गोट मिल्क है, तो ये प्रेफर कर सकते हैं आप बच्चों के लिए इनकेस अगर आपकी फीड. कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी. इंस्टा में माई डॉटर बाहर वाला मिल्क नहीं पीती, वो 4 years की है, कैल्शियम कैसे पूरा होगा? गुड क्वेश्चन, जीवन ज्योति.
कैल्शियम जितना आपके डेली प्रोडक्ट में है, और ज्योति जी मेरे पोस्ट हैं कुछ मिल्क के ऊपर, आप अगर उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएंगे मैंने मिल्क में आमंड मिल्क में कितना कैल्शियम है, सोया मिल्क में कितना कैल्शियम है, सब डाला हुआ है, सबके कंपैरिजन दिए हुए हैं, और सरप्राइजिंगली इन चीज़ों में जो मिल्क के सब्स्टिट्यूट में ज़्यादा कैल्शियम होता है, मिल्क से भी ज़्यादा, और मिल्क में फॉस्फोरस भी होता है जो बोन में से कैल्शियम को निकाल देता है. सो अगर आपके बच्चे मिल्क नहीं पीते दैट्स रियली फाइन. मैं भी अपने बच्चों को मिल्क की जगह पर ये सोया मिल्क, कभी कभी आमंड मिल्क, और कभी कोकोनट मिल्क, ये सब मिल्क देती हूँ मैं. और कैल्शियम मतलब अगर एग्स खाते हैं तो कैल्शियम प्रोटीन सभी कुछ मिल जाता है. मैम एक बहुत स्वाति का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं मेरी डॉटर है जिसको कोल्ड एंड कफ अगेन एंड अगेन हो जाता है, कोई रेमेडी उनके लिए? एक्सरे करवाइए स्वाति जी उनके, और अभी तो एक्चुअली नहीं करा पाएंगे, पर अभी नहीं करा पाएंगे, बाद में लंग का एक्सरे करवाइए. और अगर आपके फैमिली में किसी को भी एस्थमा कंडीशन है सो आप लोगों को वैसे बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, आप डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए और उसकी जगह पे सोया मिल्क वगैरह आप डाइट में उनको दे सकते हैं. जी हाय रीनू, आप दुबई से हैं, आई कैन गेट केन मिल्क, सो कैन वी गिव टू किड्स केन मिल्क? रेनू हाँ आप दे सकते हैं, पर अगर आपको ऐसे वाले पाउडर मिल जाए कोलेस्ट्रॉल गोट मिल्क के मिल जाएंगे, बाहर से मिल जाएंगे, कैमल मिल्क मिलेगा? अरे हाँ दुबई में कैमल मिल्क मिलता है, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें लैक्टोज भी बहुत कम होता है. जी मैं मेरा 9 ईयर ओल्ड किड है वो सब्जी नहीं खाता, ये एक्चुअली बहुत से पेरेंट्स की प्रॉब्लम है जिनमें. पूरा बनाया ना अभी मैंने, अगर सब्जी खाए ना खाए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सब्जियां थी सूप में दे दिया टेस्टी सा बना के, और सूप के बाद जो सब्जियां बच गई उसका मैंने पूरा बना दिया. राइट. और मेरी डॉटर को वॉर्म्स हैं स्टमक में, क्या डी वॉर्मिंग करवाएं? सबसे पहले डी वॉर्मिंग कराएं और कच्ची चीज़ें थोड़ी टाइम ना दें. एंटेरोजामिना बेसिलस ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं वो थोड़ा उनको दीजिए, और एनीमा अगर बच्चा कंफर्टेबल है तो करा सकते हैं डॉक्टर या प्रैक्टिशनर से पूछ के और उनके सुपरविजन में. मैं स्वाति शर्मा का क्वेश्चन है, माई डॉटर कांट स्पीक क्लियर एंड हर ब्लड इज ऑल्सो लो, शी इज 4 ईयर. आप उनको स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाइए, आप उनके IgE IgG लेवल टेस्ट करवाइए, और हो सकता है कोई इमोशनल ट्रॉमा हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, न्यूरो प्रॉब्लम भी हो सकता है. सो आपको मेरे ख्याल से तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और मतलब अगर मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ हैं आपके पास तो मैं आपको बता सकती हूँ पर्सनलाइज्ड. इंस्टाग्राम पे लवलीन सचदेवा पूछ रही है, मेरी डॉटर को डायबिटीज हाई आ रही है, मैम प्लीज उसकी एज एंड वेट बता दें तो ईजी हो जाएगा. जी एज और हाइट जरूर बता दीजिए, जैसे मैंने बताया कि बच्चों का अगर डायबिटीज आपको डिटेक्ट हुआ है तो आप सी पेप्टाइड GAD65 भी टेस्ट करवा लीजिए. टेस्ट में अगर थोड़ा बहुत भी गुंजाइश रहता है तो रिवर्स हो सकती है, पर हाँ अगर इनकेस जुगना करें हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट कर सकते हैं जिसमें कार्ब्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए. उनका पर्सनलाइज रिस्पॉन्स देखिए, हर एक डाइट हर एक पर्सन के लिए सेम नहीं होती, कईयों का चना से बढ़ता है शुगर, कईयों का राइस से बढ़ता है, सो वो पर्सनलाइज. 16 ईयर्स ओल्ड है इनकी जो डॉटर है. 4 ईयर्स की है, आईज पर डार्क सर्कल टाइप से है, तो इसका कुछ आंसर? हाँ डार्क सर्कल बेसिकली क्या है, बहुत पतली कैपिलरीज होती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता, नींद पूरी ना हो या फिर स्ट्रेस रहे तो इसलिए भी डार्क सर्कल होता है. तो जरूरी नहीं कि डार्क सर्कल को मालनरिशमेंट से कंपेयर करें, बट स्टिल आप B12 HB फेरेटिन लेवल CBC उसका कंप्लीट करा लीजिए. कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम है तो वो हम सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं, पर ये जो मैंने आपके सामने पूरा बनाया था दिस इज रियली वंडरफुल. मतलब मैं आपको सीरियसली बताती हूँ कि शौर्य इज बेटर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ देन सादगी, क्योंकि शौर्य के टाइम पे अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स आर बेटर एंड आई एम मोर यू नो अवेयर. सो ये पूरा मतलब 7th-8th मंथ के बाद से आई एम जस्ट गिविंग दिस पूरा रेगुलरली टू शौर्य. एक टाइम का उसका डाइट फिक्स्ड है, 2 अंडे फिर सूप फिर ये पूरा फिर उसके बाद ओट्स की रोटी एंड वेजिटेबल एंड दाल. मैम एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी जॉइन इन योर 15 डेज कोर्स?
7307303835 पे कॉल करें, 9988110 इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको फटाफट से एनरोलमेंट करवा देंगे। मैं आपको बता दूं कि अब हमारे पास सीट्स उतनी ज़्यादा नहीं रह गई हैं बिकॉज दैट हैज़ टू बी अ लाइव सेशन और उतना मैं नहीं करवा पाऊंगी, तो इसीलिए आई कैन टेक 5 more people। सो आप लोग अगर चाहते हैं एनरोल करना फटाफट से कर लीजिए, देर आर ओनली 5 seats लेफ्ट, उससे ज़्यादा मैं नहीं करा पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा ऑक्यूपाइड है और आई बिलीव इन क्वालिटी। यस, चारू का क्वेश्चन है कि उनका 1.5 साल का बच्चा है, बाहर से मिल्क नहीं लेता, तो ना लो ना मिल्क के लिए फोर्स मत करो चारू जी। एक वो जो टाइम होता था पहले जब भागते थे मदर्स दूध लेके कि पी लो पी लो पी लो, अब के मदर्स जैसे कि मैं सूप लेके पीछे पीछे भागती हूँ, और पहले के टाइम पे इतनी अवेलेबिलिटी या नॉलेज नहीं था, लेकिन अब नॉलेज और अवेलेबिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा है। मिल्क से फार बेटर हेल्दी चीज़ें हैं मार्केट में, और मिल्क में लैक्टोज होता है, बच्चे मोस्टली लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या उनको कोई एस्थमा कंजेशन म्यूकस ये सब रहता ही है, तो बेटर है कि अगर आपका बच्चा मिल्क को अगर मना कर रहा है तो उसको फोर्स नहीं करें, अगर उसको कोई उससे कोई कंडीशन मेडिकल कंडीशन लगती है। सो मैंने आपको ये पूरा दिखाया था एज अ मदर, मैं जो मतलब एक कंसर्न मदर एक माँ के नाते, डाइजेशन चलो थोड़ा सा रोल आ गया लेकिन कंसर्न माँ के नाते मैंने इसमें वो सब चीज़ें डाली जो मुझे बच्चे को देनी थी, वेजिटेबल्स, पोहा, दाल, अंडा, फ्रूट, ठीक है, ओट्स, किनोवा का आटा, रागी का आटा, एमरेंथ नहीं था मेरे पास, फिर डेट सिरप डाल सकते हैं, डेट सिरप हमेशा डालना चाहिए मीठे में बच्चों के लिए, पर गुड़ दही डालना चाहिए, पर अगर डेट सिरप नहीं है तो गुड़ डालें, शहद डालें। मैम, इफ आई वांट टू डू अ प्रॉपर न्यूट्रिशन कोर्स विद अ डिग्री, डू यू प्रोवाइड इट? नो, We don't provide degree or diploma. देखिए भाई मैं ना आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने बहुत मेहनत की, इनफैक्ट सारे डाइटिशियंस बहुत मेहनत करते हैं, डाइटिशियंस आर समटाइम्स अंडररेटेड इसलिए क्योंकि प्रिवेंशन इंडिया में जैसे मैं 13 सालों से बोलती रही इम्यूनिटी पे वर्क करो नहीं किया, ठीक है, फिर आज आप सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी पे वर्क करो, इम्यूनिटी चाहिए COVID-19 के टाइम पे। सो डाइटिशियंस को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, पर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स को पहले हम लोग मेडिसिन और ड्रग्स पे रिलाई करते हैं, हम लोग डाइटिशियंस या डाइट या फूड को हम लोग कुछ समझते नहीं हैं। सो डाइटिशियंस का बहुत हार्ड वर्क होता है, मैंने पहले बीएससी की 3 साल की, मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर इंटर्नशिप की पीजीआई में, इतना सब करने के बाद भी आज भी अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अपग्रेड करने की मैं करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसे लोग हैं, जगह जगह पे ऐसे क्लिनिक्स खुले हुए हैं जो लोग क्वालिफाइड नहीं होती हैं, फ्रेंचाइजी लेके अपने क्लिनिक ओपन कर लेते हैं, सो दैट्स अनफॉर्चुनेट। मैम एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मेरे 4 साल का बच्चा है वो फॉर्मूला मिल्क लेने से रिफ्यूज करता है बॉटल से जब उसको देते हैं, तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में आप कोई रेसिपी ऐसी ट्राई करें कि ड्राई मिल्क पाउडर से कुछ बना दीजिए, जैसे आप इस कूड़े में ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है, वरना आप 4 महीने का बच्चा, अच्छा सॉरी 4 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा। आपको फिर डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, आपको कोई ब्रांड चेंज करना पड़ेगा, कोई फ्लेवर आपको ट्राई करना पड़ेगा, और अगर क्या आप फॉर्मूला मिल्क क्यों देते हैं क्योंकि आपका फीड नहीं बनता है, इनकेस अगर ऐसा है तो डाइटिशियन श्रेया यूट्यूब चैनल पे देयर इज अ वीडियो बाय द नेम ऑफ गैलेक्टा गोक फूड्स। गैलेक्टा गोक फूड्स कुछ ऐसे फूड होते हैं जिससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन है वो ज्यादा होता है, मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस ना लें, नेगेटिव ना हो, तो जब आप चीज़ें ऐसी करेंगे, जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपको जो बेस्ट फीड का, आपका फीड का कंसर्न है वो भी आपका काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। आई वॉन्ट यू टू हेल्प नैन्सी आहूजा, वो कह रहे हैं मेरे 9 ईयर्स ओल्ड बेटा है, उसको कोल्ड एंड लिटिल कफ है, उसको तुलसी जिंजर जूस दे रहे हैं वार्म वाटर में, व्हाट एल्स वी कैन गिव, उसको एलर्जी हो जाती है और उसकी स्किन जो है वो रेड हो जाती है मेडिसिन के बाद। आप उसको नेबुलाइज करें, जो मार्केट में मास्प्ला नेबुलाइजर आता है उसे आप नेबुलाइज करें, आप उसको आप जिस दे रहे हैं ये बहुत अच्छा कॉन्कॉक्शन है, देना चाहिए रागी, कुट्टू, एमरेंथ, ये चीज़ें डाइट में यूज़ करें, ग्लूटेन और लैक्टोज डाइट से बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, और एंटेरोजामिना बेसिलस प्रोबायोटिक होता है वो बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। नैन्सी आहूजा, आई रियली वांट टू हेल्प यू, इफ इन केस यू वांट टू टेक अ पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान फॉर योर बेबी आई कैन मेक इट। मैम एक बहुत अच्छा लवलीन सचदेव का फिर से क्वेश्चन है, मिल्क की जगह चीज स्लाइस ब्रिटेनिया बच्चों को दे सकते हैं, ये हेल्दी है? ओके,
है तो डेयरी प्रोडक्ट, पर हाँ बिल्कुल दे सकते हैं जो चीज स्लाइस है उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा कैल्शियम और ज्यादा प्रोटीन होता है। तो बच्चे अगर दूध नहीं पीते तो एक चीज स्लाइस अगर खा रहे हैं, और चीज स्लाइस तो बहुत शौक से खाते हैं, तो हमें मतलब जैसे कि यहाँ पे एज अ पेरेंट मैं आपको बताती हूँ, एक मैं हूँ मदर सन की फिनकी, ठीक है, सो कॉल्ड परफेक्ट मदर, बहुत टेंशन लेने वाली, बच्चों को हर चीज परफेक्ट देना, हर मदर ऐसी होती है राइट, और खांसी हो गई अरे बाप रे नहीं नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आई टेक ऑल द गिल्ट, और मतलब मुझे ये लगता है कि माय चिल्ड्रन और एनी चिल्ड्रन दे शुड बी वेरी स्ट्रांग, मतलब बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता। सो एक तरफ फिर हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है, और अब ऐसे बोलो सब हस्बैंड एक जैसे बोलो बोलने की जरूरत ही नहीं हो जाए, तो सब आदमी एक जैसे होते हैं, सब हस्बैंड एक जैसे होते हैं, प्रैक्टिकल, लेट मी कॉल इट दैट वे, प्रैक्टिकल। हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, और इतना कंसर्न होके ओवर डू करके अपने आप को थका के मैं भी रात को बहुत थक जाती हूँ, सो अपनी टांगें खुद दबा रही होती हूँ बैठ के, हाँ। सो डेफिनेटली हम लोग थक जाते हैं, फिर हस्बैंड आते हैं, वो कहते हैं कि हर बार जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा परेशान कर दो कि हेल्दी खाओ। सो एक आधा मील साइकोलॉजिकल उनकी जो पसंद है जो उनको, वो भी आपको ज़रूर देना चाहिए। सो मैं शौर्य के लिए किनुआ का पास्ता, वही भी फिर मेरा फिर आ जाता है कि नहीं अगर पास्ता भी दे रहा है तो सूजी का या कोई और, नहीं मैं फिर किनुआ का बना देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास किनुआ का पास्ता है। सो ये किनुआ का पास्ता है। सो मेरे घर पे आपको हर चीज़ों के ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे, मतलब ये थोड़ा स्मार्टनेस आ जाता है। सो ये किनुआ का पास्ता है, तो अगर बच्चे शौक से खाते हैं सो उनके पसंद की चीज़ें आप उनको खिला सकते हैं, थोड़ा सा अपना उसमें ऐड करके। सो मैं किनुआ का पास्ता उसमें चीज़ डाल के और थोड़ा चीज़ी बना के उसको मैं दे देती हूँ, तो बच्चों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, वरना हर बात में टोकेंगे तो बच्चे क्या चिड़चिड़े बनेंगे। मैम एकता का बड़ा जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन है, ओट्स का आटा गर्म होता है क्या? ओट्स का आटा गर्म नहीं होता, ओट्स का आटा गर्म जैसे वीट होता है वैसे ही ओट्स होता है, तो इंडिया में ज़्यादा वीट चलता है पर फॉरेन कंट्रीज में ओट्स भी चलता है, तो गर्म नहीं होता। गर्म कौन सा होता है, मतलब हीट प्रोड्यूसिंग कौन सा होता है, कुट्टू हीट प्रोड्यूसिंग है, बाजरा, ज्वार, ये हीट प्रोड्यूसिंग आटा है, ये आप समर्स में डालें। समर में बेस्ट आटा होता है जौ का, बार्ले का, तो आप वो आटा यूज़ कर सकते हैं। रागी आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए, समर विंटर रागी इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। और उसके अलावा ओट्स तो मैं मतलब सर्दी गर्मी ओवरनाइट ओट्स अभी मेरा अभी फेवरेट हो जाएगा समर्स में, सो जौ सत्तू एंड ओवरनाइट ओट्स। I think we should take last two questions. Right, last two questions. अच्छा, I was thinking इसलिए कि हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि हर रोज कोई एक contestant, मतलब एक कोई हमारा वहाँ पे fan हमारे साथ live chat करे video. Yes, ma'am. Instagram पे ये option है जिसमें हम लोग live chat कर सकते हैं. So we can plan. Technically we have to see, then we can think about it. So कल Instagram पे हम एक live chatting करेंगे recipe के time पे. So आप मुझसे face to face बात कर पाएंगे, right? मैम एक कैन वी लूज वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ यू आर टू ओवरवेट तो एमनियोटिक सैक में जो है वो फ्लूड ज्यादा भर जाता है, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। सो इसीलिए आपको अपना वेट जरूर चेक करना चाहिए, और हेल्दी वे में आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वेट लॉस कर सकते हैं। मैम आई थिंक आपको ना अपनी कढ़ाई की एक फोटोग्राफ अपने फेसबुक पेज पे डाल देनी चाहिए, सो आफ्टर दिस वी कैन पुट दैट। आई थिंक कुछ भिगोने के लिए रखा हुआ उसमें। दिस इज द कढ़ाई। सो आई थिंक ये जो जो भी मेक है एलोवा, दे शुड एक्चुअली कॉन्टैक्ट मी, देखो मैं कितना प्रमोशन कर रही हूँ आप लोगों का, ALOA एलोवा, एलोवा थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन मेरे घर पे फ्राई पैन और तीनों जो ये है वो यही, और मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं है कि मैं क्या क्या लेकर आती हूँ, मैं बहुत खर्चा करती हूँ, किचन यूटेंसिल्स, ज्वेलरी नहीं देखिए, तो मैं गैजेट्स पे खर्च करता हूँ, ये गैजेट पे खर्चा करते हैं और तभी हमारी वीडियोस बनती है। ओके, माय डॉटर हैज वेरी पेनफुल पीरियड्स, व्हाट टू डू? पेनफुल पीरियड क्यों है? प्रोलैक्टिन तो नहीं बढ़ा हुआ, हार्मोनल स्टडी जरूर करवाइए, उसका अल्ट्रासाउंड कराइए, सिस्ट तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है, वो जरूर कराना चाहिए, HB डेफिशिएंट हो गया होगा, फेरेटिन लेवल्स कम हो गए होंगे, सो ये टेस्ट करा के पहले उसका अच्छा डाइट प्लान बनाइए, अंडरवेट हो भी हो, और जैसे ही आप करेंगे तो पेन्स पेनफुल नहीं रहेंगे जी। मैम डॉली का एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, अभी के लिए जब टेस्ट नहीं करा सकते देन यू कैन गिव हर टर्मरिक जिंजर टी एंड आमला जूस, दैट रियली वर्क्स। शतावरी दे दो उसको, शतावरी सख्त
प्रतिशत मतलब सारी बीमारियों की जड़ को खत्म करना है, सिर्फ चेतावनी दे सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर वी नीड टू टेक लास्ट क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, एसेंशियल डाइट फॉर थैलेसेमिक आई थिंक चाइल्ड तो दोनों केस में जो थैलेसेमिक कंडीशन है उसमें दोनों डाइट अलग होती है। सो दैट वॉज मी डाइटिशियन श्रेया। और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि अब जैसे गैलेक्टा वो फूड्स के बारे में मैंने आपको बताया, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ वीडियोस में और मैंने दुनिया की हर डिजीज पे डाइट बनाई हुई है, चाहे सीओपीडी हो चाहे गैलेक्टा वो फूड्स हो, पर आप लोग बार बार जब क्वेश्चन करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्यों नहीं देखा मेरी मेहनत खराब हो गई। और मैं आपको बताती हूँ COVID-19 जब अभी सिर्फ चाइना में था तभी मैंने इंडिया में सारी डाइट और सारी प्रिकॉशंस बता दी थी, मैंने नुक्कड़ नाटक भी किया था गली गली में जाके। सो मैं चाहूंगी प्लीज अगर हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो आप लोग शेयर भी करा करें वीडियोस को और यूट्यूब प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड माइनर है मैम, माइनर मैसेज आ माइनर माइनर थैलेसेमिक है, माइनर थैलेसेमिक आप अभी ही इनबॉक्स कर दीजिए उसका मेडिकल सारा प्रोफाइल जो उसके ब्लड टेस्ट है, मुझे सीबीसी चाहिए उसका, B12 चाहिए, आप जैसे ही मुझे भेजेंगे और मेरी जो कंसल्टेंट है आपको डाइट प्लान बना के भेज देंगी माइनर थैलेसेमिया के लिए। कितने का यू गाइस कम लाइफ अ वेरी शॉर्ट टाइम, यू वांटेड मोर लॉन्ग, मतलब आप लोग अपलोड ही नहीं कर पाओगे और इट्स ऑलवेज फॉर 45 मिनट्स। अब मैंने कितने बजे शुरू किया था, 3 बजे शुरू किया था, इट्स गोइंग टू बी 4 नाउ। सो एसपी कम यू ओके राइट, सो ठीक है मैं रोड दे रही हूं, ठीक है मेरा। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो मेरे हस्बैंड हैं सुप्रीत सिंह, हम लोग बहुत लड़ाई करते हैं, हम दोनों बंदे ना प्रॉब्लम ये है कि ये क्रिएटिव लोगों की प्रॉब्लम होती है, सो हमारी फाइट बहुत ज्यादा होती है दोनों का, पर हमारे में प्यार बहुत है। किसमें नहीं होती, मुझे एक कपल बताओ जिसमें आज तक कभी फाइट नहीं हुई। राइट सो पर मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ, ही इज वेरी चिल पर्सन, मतलब एवरी वन नीड्स टू बी लाइक हिम नॉट लाइक मी। सो मैं थोड़ी सल्की थोड़ी परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ लड़की, ठीक है, मतलब क्रम्बल नहीं होनी चाहिए, नहीं मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, आई एम एक्सट्रीम एंड ही इज वेरी जॉयफुल, ही इज वेरी पॉजिटिव। सो अभी COVID-19 के टाइम पे कैसे होना चाहिए, इनके जैसा होना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए सबसे बड़ी बात, घर के अंदर रहो, ब्रेक दी चाहिए, और 21 डेज में मतलब वी आर नोइंग ईच अदर मोर बेटर, वी आर प्लेइंग टुगेदर, हम लोग रात को पूल खेलते हैं, हमने बेसमेंट में ही बनाया हुआ है पूल टेबल वगैरह, सो वी प्ले दैट टुगेदर। और स्पेंड टाइम आपस में हस्बैंड, व्हाई आई वांटेड टू लेट यू मीट माय हस्बैंड, बिकॉज़ आपको मैं ये बताना चाहती थी कि मतलब कई बार क्या होता है कि ये सब नेगेटिव कमेंट्स यस मेक मी कंसर्न कि मेरा दिल रुक जाता है, पर ही इज वेरी पॉजिटिव, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अपने आप को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो जो वाइब्रेंसी है, जो पॉजिटिवनेस है, वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो इसीलिए आप लोग जब भी किसी का नेगेटिव कमेंट सुनते हैं तो अपने आप को इफेक्ट नहीं करना, चिल रहिए। और एसपी को मैं आपको इंट्रोड्यूस जरूर करवाना चाहूंगी, सो एसपी इज द मैन बिहाइंड माय डिजिटल टीम, ही इज वेरी क्रिएटिव एंड ही वॉज विद रेडियो 94.3 माय एफएम रेडियो पे थी, ये काफी लोगों ने मुझे सुना भी होगा, मैं दिल चाहता है जो एसपी पे जाता है मॉर्निंग सलाम चंडीगढ़ मीनाक्षी जो करनी है उससे पहले मैं कर रहा था, और 2006 में मैंने रेडियो शुरू किया था और 2013 तक किया, फिर मैंने सब काम छोड़ के मैम की सेवा में अपना बस कर्म धर्म सब यहीं जोड़ दिया, और अच्छा था, वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक जो हस्बैंड, मैं फिर से वही बात करूंगा, जो हस्बैंड सिर्फ सोच रहे हैं, ये अच्छा टाइम है, 21 डेज में देखो आपकी वाइफ में कितना पोटेंशियल है और उनको किस तरीके से आपकी मदद, आपकी एक्चुअली में हेल्प चाहिए और वो हेल्प कर दो उनकी, बस इतना मत। हाय पिंकी, पिंकी जी ने मुझे बोला यू लुक लाइक अ प्रीटी गर्ल, तो ये और मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, वो बहुत सारे हैं पर मैं आजकल वो बहुत सुनती हूँ, कौन सा आपको चिटियन लगा चुप इफ आई स्पोक आप अपना कोई भी फेवरेट डालो। I don't need your pearls and ribbons, huh?
So aise wala to matlab bhai 21 days mein I'm coming back with my little this thing. Har mother apna bachcha cute hai yaar, ye cute hai, ye मदर्स को अपना जो बचपन है नहीं भूलना चाहिए. तो मैं वही सादगी नानी हाउस है तो वो मैं एंजॉय कर रही हूँ. राइट, सो आपके जितने भी और क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अभी रिप्लाई करना शुरू करेंगे. सो राइट, और अगर आपको 5 बजे आपका मन नहीं भरा है मुझे देख के तो 5 बजे आप लोग फिर लाइव हो सकते हैं. मैं आरजे अनुभव के साथ आपको लाइव मिलूंगी. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो.